कोरोना के बाद लोगों में हेल्थ को लेकर काफी जागरूकता आई है। ऐसे में लोगों को महंगे और कीमती टेस्ट को सस्ते और असरदार दवाइयों के साथ मार्केट में लेकर आया है फार्माक्विक जेनेरिक दवाइयों को। दवाइयों के साथ सस्ते टेस्ट लेक भी इस कंपनी के जरिए से मिल रहा है, जिसका फायदा सभी जरूरतमंद लोगों के साथ साथ गरीब और सुविधाओं से दूर रहने वाले गाँव खेड़ों तक पहुँचने की तैयारी में है फार्माक्विक, जिसके लिए उन्होंने खिदमत मेडिकल और जनरल स्टोर की शुरुआत की है मुंब्रा में। और अब थाने से लेकर मुंबई के कोने कोने तक पहुंचने के लिए अब तैयारी में है फार्माक्विक मेडिकल स्टोर्स। इस उद्घाटन में पहुंचे डॉक्टर संदीप घड़के, डॉक्टर शोएब खान और अमित धमनस्कर, जहां सभी ने देश सेवा में हाथ बढ़ाकर लोगों को सस्ती दवाएं पहुंचाने का संकल्प लिया और साथ ही ये भरोसा दिलाया है कि ये दवाएं अन्य दवाइयों की तरह ही असरदार होगा, बस उसकी कीमत आपको बाकी दवाइयों के मुकाबले में सस्ता मिलेगा। मेडिसिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, जेनेरिक मेडिसिन है। इसमें 2019 से मैंने स्टार्ट किया है इस कंपनी में। इनका जो मोटिव यही है कि कम से कम सस्ते रेट्स में मरीजों को देना है इससे। मतलब अगर बाहर 100 रुपये का अगर इंजेक्शन मिलता रहेगा तो हमको 10 रुपये में कैसा हम जनरेट किया जाए वो हमको देना है। हम मुंबई में भी काम कर रहे हैं तीनों हॉस्पिटल में, जैसे लायंस है, आयुष है और साई हॉस्पिटल है। वहाँ पर हमारे मतलब पुअर पेशेंट है, धारावी पूरा एरिया गिरता है, वहाँ पे हमने चालू किया है वो काम मेन। तो वहाँ पे हमारे मरीजों का हम कम से कम रेट्स में कैसा अवेलेबल किया जाता है ये फार्माक्विक कंपनी से हम लोग ने चालू किया है पूरा। था फार्माक्विक क्या है, लोगों को किस तरीके से इसके बारे में बताना चाहेंगे कि अदर मेडिसिन्स में और इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा? द फार्माक्विक कंपनी मतलब एक जेनेरिक मेडिसिन देता है, वो कम से कम रेट्स में हमको अवेलेबल कराना है। आजू बाजू मतलब मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन है पर क्वालिटी हमने वही रखा है कि नो डिफरेंशिएशन, मतलब क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने इसमें। जिस तरीके से लोगों को अगर इस कंपनी से जुड़ना भी हो तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है या किस तरीके से इस फ्रेंचाइजी से जुड़ना चाहे तो क्या क्या आप लोगों ने फैसिलिटीज लोगों के लिए दिया? कॉन्टैक्ट के लिए मार्केटिंग पर्सन है हमारे पास और CEO सर है कि फतेह सर, हम लोग के सब देखते हैं वो, तो उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या डायरेक्टली मैं नंबर शेयर कर दूंगा तो वहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हो, तो हम डायरेक्टली फ्रेंचाइजी अवेलेबल कराते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मेडिकल या इस तरीके से जो स्टोर्स खुल रहे हैं उसके लिए? मेन मोटिव तो यही है कि हमारा कि पेशेंट को कम से कम रेट में इलाज कैसे हुआ जाए, यही हमारा मेन मोटिव है। और इससे कुछ फैसिलिटीज और भी आप लोग उपलब्ध करके दे रहे हैं? फैसिलिटी मतलब हम लोग जो 3 हॉस्पिटल से जुड़े हैं तो वहाँ से मतलब एंजियोप्लास्टी बाईपास जो साधारण 4-5 लाख रुपए का बिल होता है वो हमारे हॉस्पिटल में पूरा था फ्री होता है। हम लोग मेडिसिन वहाँ पे पूरा फ्री से हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं वो पेशेंट के लिए। लायंस क्लब से हम जुड़े हुए हैं तो वो हमको सपोर्ट करते हैं वो सब, मतलब चार्जेस 0, पेशेंट को 0 पेमेंट करना है उसमें, पूरा बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, कैंसर हो गया, वो सब इलाज हम लोग फ्री करते हैं फार्माक्विक के थ्रू। सर आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और इस मेडिसिन मैं डॉक्टर शोएब खान, लायंस तारचंद हॉस्पिटल एडमिन। फार्माक्विक कंपनी जो है वो जेनेरिक मेडिसिन के लिए है और ये मेडिसिन हम घर तक अवेलेबल कर रहे हैं, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया। इस समय हम लोगों ने एक ऐप रेडी किया है फार्माक्विक ऐप करके है और उसके जरिए हमने एक कार्ड प्रोवाइड किया है। वो कार्ड हर पेशेंट्स को मिलेगा, हर रिलेटिव को मिलेगा। वो कार्ड के जरिए एवरी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट्स मुंबई में तो 20% डिस्काउंट वो कार्ड दिखाने पे। मेडिसिन से अगर हमें घर तक भेजना है तो हम ऑनलाइन भी हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं घर तक, उसमें भी 50% डिस्काउंट। ऐसा हमने हर कैटेगरी अलग अलग रखा है, मेडिकल हो, नर्सिंग स्टाफ हो, घर में भी किसी को ICU सेटअप चाहिए, जो बेड सोर्स पेशेंट्स है, बेड रिटर्न पेशेंट है, वो भी हमने प्रोवाइड किया है। मतलब घर पर भी एक ICU सेटअप हम बना के दे सकते हैं पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके, तो ये सब भी हमने अवेलेबल किया है अपने इस ऐप के ज़रिए और मार्केटिंग के ज़रिए। तो हमारा मार्केटिंग का मोटिव ये है कि एवरी पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं उनको बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन भी मिलना चाहिए, अगर उनको बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास महात्मा ज्योतिराव फुले स्कीम है लायंस तारचंद हॉस्पिटल में, जो उसके ज़रिए हम हर पेशेंट्स को एंजियोग्राफी फ्री, बाईपास फ्री, प्लास्टिक फ्री, ये हम हर पेशेंट्स को कर रहे हैं। जो मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट आज के टाइम पर पूरे मुंबई में 2nd रैंक पर मेरा लायंस तारचंद हॉस्पिटल है ऑल केसेस के बिहाफ पे, ऑल केसेस पे 2nd रैंक पे आया है। 1st रैंक पे हमारा केम हॉस्पिटल है। हम नंबर ऑफ पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं और फार्माक्विक के जरिए जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें हम 50% 20% जो जैसा पेशेंट्स रहता है हमें डिस्काउंट कर रहे हैं। और क्वालिटी वाइज देखेंगे तो बेस्ट क्वालिटी हमने किया है उसमें। अगर जेनेरिक मेडिसिन से ऐसा नहीं है कि हमने उसमें कोई डोज कम किया है, पेशेंट्स को उतना ही बेनिफिट मिलता है जो पेशेंट्स को
हाई क्वालिटी जो सिप्ला वगैरह कंपनी का लेता है वही सेम मेडिसिन उसमें ही मिलता है, और ऑल कैटेगरीज डायबिटिक कार्डियक मेडिसिन सब प्रोवाइड किए हमने ये फार्माक्यू के जरिए। आयुष हॉस्पिटल जो मेरा 90 फीट रोड में है वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया जेनरिक मेडिसिन फार्माक्यू के, तो मुझे थोड़ा फेस करना पड़ा कुछ कंसल्टेंट का, एक ये था कि नहीं ये जेनरिक मेडिसिन है ऐसा है, लेकिन जब वो लोगों तक पहुँचती कि उसका बेनिफिट मिला तो आज के टाइम में मेरा 95% मेरा फार्माक्यूब का मेडिसिन जा रहा है जेनरिक मेडिसिन 95%। लाइन सरक्षण में 85% मेरा जेनरिक मेडिसिन चालू है कि पेशेंट्स को सेम बेनिफिट मिल रहा है, उनका पैसा भी बच रहा है और जेनरिक मेडिसिन का उनको लाभ भी मिल रहा है। सर आप तो जानना चाहेंगे ये फ्रेंचाइजी यहाँ पर ही खुलेगी या पूरे मुंबई या मुंबई से बाहर के जाने का कुछ प्लान है आपको? हमारा प्लान ऑलरेडी, ये इंटरनेशनल कंपनी है तो ऑलरेडी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी ये फ्रेंचाइजी यहाँ पे नहीं, ऑलरेडी 3 हॉस्पिटल में चल रही है हमारी ऑलरेडी। हम मुंबई में दीवा में नेक्स्ट ओपनिंग रहेगा हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए, और धारावी में आई थिंक नेक्स्ट वीक ही रहेगा हमारा ओपनिंग, तो ऑलरेडी हम लोग ने फ्रेंचाइजी ओपन करना चालू कर दिया है। इस ईयर हमारा कम से कम 25 मेडिकल्स ओपन करना है हमको इस ईयर में, ये टारगेट है 2 मंथ में हमें 25 तक 30 तक ये करना है हमें। यूपी भी हमारा प्लान चालू, यूपी साइड जो गांव खेड़ा है जहाँ पे मेडिसिन पहुँच नहीं पा रही है और लोगों को महंगी दवा मिल रही है, तो वहाँ तक हम जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्ट रख के मैक्सिमम डिस्काउंट करके वहाँ पे रख सके, पेशेंट तक पहुँचा सके। ऐसा कैंसर मेडिसिन हो गया, शुगर मेडिसिन हो गया, मकसद यही है कि आज के टाइम पे लोगों के पास जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको मैक्सिमम मेडिसिन लगती है, और ये मैक्सिमम मेडिसिन लेने के लिए मंथली उनका खर्चा 10-12 हज़ार का है। अगर हम ये मेडिसिन अवेलेबल करते हैं उनका 4 से 5 हज़ार रुपये जाएगा ये मेडिसिन के लिए, तो हमारा मकसद यही है कि लोगों तक सही मेडिसिन पहुँचे, कम रेट में पहुँचे और उनको फ़ायदा मिले उसका। ओके, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर एक जेनरिक मेडिकल जो है स्टोर स्टार्ट हुआ है, लोगों को सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध होगी, कितनी ज़रूरत है इस तरीके की चीज़ों की ताकि लोग जो है दवाइयों के लिए परेशान ना हो? एक्चुअली देखो, अगर कोविड के बाद से बहुत लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और उनकी इनकम भी कम हुई है उसके वजह से, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर जो सेक्टर्स है वो बहुत कॉस्टली हो जाता है आज के टाइम पे। सो, जो जेनरिक मेडिसिन है उसका मेन जो लक्ष्य है लोगों तक अच्छी दवाएं, क्वालिटी दवाएं पहुँचाएं, और इसमें फ़ायदा भी, देखो डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गए, ये बहुत कॉस्टली होता है, मंथली इनका बिल भी बहुत लंबा लंबा 10,000-15,000 का बनता है। अब अगर इस तरह की मेडिसिन हमको मिलती है तो इससे हमारा फ़ायदा हो, क्योंकि वही बिल जो 10,000 का 2,000 में हमें मिल जाएगा, जो ओल्ड एज पेशेंट्स है लाइक मदर फादर्स है जो ओल्ड पेशेंट्स रहते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सस्ती दवाइयों का, और दवाइयाँ क्वालिटी वही रहती है चाहे जेनरिक मेडिसिन हो चाहे ब्रांडेड, फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि ब्रांडेड मेडिसिन है वो प्रमोट होती है डॉक्टर के थ्रू, वो लिखा जाता है इसलिए उसको ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं, जेनरिक मेडिसिन में बस ये होता है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग होती, मार्केटिंग नहीं होती, इसकी वजह से उसको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, क्वालिटी वही रहती है, सब कुछ वही रहता है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है ज़्यादा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है आज के टाइम में, हम लोग ने देखा है क्योंकि मैं भी फार्मा फील्ड से हूँ, मैंने भी अपना फार्मेसी किया तो मुझे उसके बारे में आइडिया है, तो जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटीज़ में कोई, मैं खुद भी जेनरिक मेडिसिन ही अपने घर में सब लोग यूज़ करते हैं, यहाँ की मेरे मॉम हो गए उनके लिए सबके लिए मैं जेनरिक मेडिसिन लाता हूँ और सेम रिजल्ट आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग एजुकेटेड क्योंकि अपने इंडिया में लिटरेसी रेट के हिसाब से देखा जाए तो लोगों को पता नहीं एक्चुअल में जेनरिक, उनको लगता है जेनरिक मेडिसिन फेक मेडिसिन है, बट एक्चुअल में वो फेक मेडिसिन नहीं। अगर हम लोग देखेंगे आज के टाइम में, क्योंकि बिकॉज मैं खुद भी कुछ जो कंपनीज है उनका एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, उसमें मैंने देखा है कि हम लोग अफ्रीका देशों में 80% तक जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करते हैं, वो जेनरिक मेडिसिन ही खाते हैं, बस ये फ़र्क ये हो जाता है उसको मार्केटिंग नहीं होती इसकी वजह से लोग जेनरिक मेडिसिन कह देते हैं। तो जेनरिक का फ्यूचर में देखा जाए तो एक तरफ से ग्लोबल मार्केट है, जो लोग कंपनीज इस पर काम कर, लाइक फार्माक्यू अगर काम कर रही है तो फ्यूचर में इंडिया में हर जगह अगर इस तरह के फ्रेंचाइजी स्टोर खुलते हैं तो लोगों को नियर बाय जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, और उनका हेल्थ जो बजट है वो भी कम आएगा, तो इससे सरकार का भी फायदा होगा, बिकॉज सरकार भी जन औषधि केंद्र चला रही है आज के टाइम पे, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सरकार के साथ काम करेंगे तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा, जहाँ गवर्नमेंट अगर लोगों तक दवा नहीं पहुँच पा रही तो प्राइवेट वाले जैसे फार्माक्विक हो गया और भी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं तो वो लोग दवाएँ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं लोगों तक, तो ये एक बेनिफिट है सबसे ज़्यादा जो कि गवर्नमेंट है, तो वो वजह से ये स्पॉट ज़्यादा बेटर है पेशेंट्स के लिए कि उनको कम रेंज में कम रेट में वो मेडिसिन मिल जाएगी जो कि ब्रांडेड में काफ़ी MRP हाई होती है। लोगों को ये क्या जगह पर है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आना चाहिए? जैसे कि ये जगह आप देख रहे हो मुमरा में है, तो वो
वजह से पब्लिक का आना, ये काट देना थोड़ा, क्योंकि नहीं नहीं मैं बोल रहा है मेरी क्लिप काट ही दो आप।